नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग जारी है। आज वेब वार्ता में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, दिल्ली में काम कम और विवाद ज्यादा हो रहे हैं। देखिए जला जी, ये निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति नहीं है दिल्ली के लिए। दिल्ली की जनता इसमें जो है सबसे ज्यादा तकलीफ उसको हो रही है। एक अजीब तरह की जंग उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बीच में शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि टकराव की नीति अपनाना शायद इनकी कार्यशैली है अरविंद केजरीवाल जी की। और इतना बड़ा बहुमत जिसमें 67 विधायक आपके हों, पिछली बार आप ये कह रहे थे कि हमें बहुमत नहीं मिला और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और कांग्रेस काम समर्थन नहीं ले रहे, फिर भी वो समर्थन दे रहे हैं, पर ये कुछ मुद्दों पर जैसे लोकपाल के कानून पर हमसे समर्थन छीन लेंगे इसलिए हम पहले ही खुद ही हट जाते हैं, ऐसा कह के आप हट गए थे। अब आपके पास हटने का कोई कारण नहीं। देखिए, जो परिस्थिति है वो तो संवैधानिक है। हो सकता है आप सही भी हो सकता है आप कह रहे हो कि संवैधानिक परिस्थितियां जिस तरीके की हैं, जिस तरह का शक्ति का वितरण उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में है, पर वो इसलिए किया गया था कि दिल्ली एक सामान्य राज्य नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी भी है। तो जब इस तरह का शक्ति संतुलन किया गया था तो वो ये ध्यान में रख के किया गया था कि एक देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जो जरूरतें हैं उन पर आंच न आए, देश की जो सत्ता जहां से चलती है, जहां पर हमारी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी बहुत शक्तिशाली दफ्तरों की उपस्थिति है, जहां पर राष्ट्रपति की उपस्थिति है, राष्ट्रपति भवन है, और हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे बड़ा मरकज जो है, हमारी हिंदुस्तान की संसद जो है वो दिल्ली में है, और ऐसी दिल्ली को आप केवल एक राज्य मानकर और राज्य की सत्ता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। शक्तियों का जो वितरण हुआ था वो इसको ध्यान में रखे हुआ था। लेकिन दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली अपने आप में एक रहवासी क्षेत्र भी है और दिल्ली के राज्य के लोगों की अपेक्षाएं हैं, चाहते हैं। दिल्ली एक शहर नहीं है, लोग दिल्ली को राजधानी के रूप में एक शहर मानते हैं, लेकिन दिल्ली एक राज्य है जहां पर बाकायदा 70 सीटें हैं जिन पर चुनाव हुआ, उनमें से 67 सीटें एक पार्टी को मिली है, आम आदमी पार्टी को, और ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का नक्शा बदलने के सपने लोगों को दिखाए थे। अब ऐसी पार्टी जब सत्ता में आती है और वो कहती है कि हम इस कारण से ये नहीं, तो लोग कहते हैं कि आपने हमसे कहा था कि वोट दो और हम कर देंगे, और वोट हमने दे दिया। अब आपको जो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये शिकायत सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं है, लोगों ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से ये शिकायत की है कि अगर आपने कहा था कि आप सत्ता में आएंगे और देश का काला धन वापस लाएंगे तो आप क्यों नहीं लाए, आपने हमसे इस नाम पे वोट मांगा, आपने कहा कि जब आप हमको वोट देंगे तो हम देश में ये काम करेंगे, उसमें पहली फहरिस्त में पहली सूची पहला नाम आपका ये था कि आप देश का काला धन, और कहीं उनको उद्धृत भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जिसका सही प्रमाण नहीं है, मैं मीडिया की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन फिर भी ये उद्धरण हर जगह आया है कि 100 दिन में आप काला धन वापस लाएंगे। 100 दिन में तो आप लाए नहीं, 365 दिन से ऊपर का समय हो गया, तो लोग उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल जी से मुख्यमंत्री के नाते सवाल पूछे जाते हैं तो उनको उन सवालों से बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो जवाब केवल उन लोगों को देते हैं कि जिन लोगों के साथ बैठकर बात करना उनको बेहतर लगे। मुझे लगता है कि खुलकर उनको इन सवालों का सामना करना चाहिए और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय कि किसी किंतु और परंतु में उलझने के, वो कैसे दिल्ली को विकास की ऐसी राह पर ले जाएं जहां पर वो लोगों को ये बता सकें कि बिना किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी वो कैसे दिल्ली को एक सबसे देश का श्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं। उनको करना तो ये चाहिए कि देखिए इन इन सब मजबूरियों, इन इन सब विवादों, इन इन सब अपवादों के बावजूद मैंने दिल्ली को एक बेहतर राज्य बनाया है, दिल्ली को विकास की राह पर ले गया हूं, दिल्ली के जो स्कूल के कर्मचारी हैं, दिल्ली के जो मजदूर हैं, दिल्ली के जो रिक्शा वाले हैं, दिल्ली के जो हॉकर हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनके लिए उन्होंने क्या किया ये उनको बताना होगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास उन्होंने कैसे किया, कैसे दिल्ली में लगातार होने वाले जाम से उन्होंने लोगों को निजात दिखाई। देखिए 10 मिनट के लिए जहां पर जाने का समय लगता था दिल्ली में, वहां 40-50 मिनट लगना मामूली बात है। व्यक्ति कहीं निकल रहा है तो उसको खुद नहीं पता कि उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, अगर वो 1.5 घंटे का मार्जिन लेके चल रहा है तो हो सकता है कि वो 30 मिनट में उस जगह पहुंच जाए और हो सकता है 1.5 घंटे के बाद भी नहीं पहुंच पाए। आए दिन दिल्ली की सड़कों पर जाम लगता है, पीने का पानी रहवासी क्षेत्रों में लोगों को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि इन मूलभूत समस्याओं पर काम करने की कोशिश होनी चाहिए, इसके बगैर आप किसी भी तरह के अपवाद और किंतु परंतु के कारण बच नहीं सकते। यदि अगर मजबूरी की बात करें तो दिल्ली में भाजपा की सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, उन्होंने भी काम किया, तब तो उतने विवाद नहीं हुआ कभी। हाँ देखिए, एक ये बात रही है कि दिल्ली में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही, एक दो बार ऐसे उदाहरण भी हैं जब दोनों सरकारें समान नहीं थी, लेकिन शायद
ये हो सकता है कि चूंकि दोनों समान पार्टी की सरकारें रही हैं, इस वजह से विवाद सतह पर नहीं आ पाए हों, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि विवाद, पर हाँ विकास उसके बावजूद हुआ है। जैसे यदि आप ध्यान से दिल्ली में जब पिछला चुनाव हुआ था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त शीला दीक्षित जी की जो करारी पराजय हुई थी, जो 15 साल तक उन्होंने सरकार चलाई थी, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली में विकास के बहुत सारे काम किए थे, और ये कोई मान ही नहीं सकता था कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भले ही कांग्रेस की कितनी भी बुरी पराजय हो जाए, शीला दीक्षित जी चुनाव हार देंगे, लेकिन वो 22,000 से ज्यादा वोटों से वहां से हारी हैं। लेकिन शीला दीक्षित जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और उनके बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और दिल्ली की सरकार के बीच वो तालमेल और सामंजस्य नहीं था जिसकी वजह से वो दिल्ली को और बेहतर सुविधाएं दे सकें या दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी बातें जनता तक बेहतर। तो कहीं ना कहीं टकराव था, टकराव होता है जब दो अलग तरह के लोग काम करते हैं, चाहे वो समान पार्टी के होंगे तो सतह पर ज्यादा नहीं आएंगे अनुशासन की खातिर, पर जिस तरीके के टकराव का रास्ता अरविंद केजरीवाल ने अपनाया है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। आप हमेशा धरने, आंदोलन और टकराव की राजनीति करते हुए नहीं रह सकते, खासतौर पर जो पिछली बार उन्होंने गलती की थी कि यदि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब आप 26 जनवरी की परेड के एंड पहले सड़क पर धरना नहीं देने के लिए नहीं बैठ सकते। ये वो कह रहे हैं मैं तो अराजकता, लेकिन सरकार अराजकतावादी खुद हो जाएगी तो सोचिए कि राज्य का क्या हाल होगा। आपने ये कहा ना कि मैं इस तरह की अव्यवस्था को, इस तरह की अराजकता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, आप बन गए ना, आपको मुसीबतें आ सकती है आपको, तो आपको किसने कहा कि आपको सोने का पलना मिलेगा? आपको तो पहले से मालूम था आपको कांटो भरा ताज मिलेगा, और ये देश के हर नेता को मालूम होना चाहिए। और आप कहते यही तो है कि लोगों को हम कांटों का ताज पहनाकर सत्ता देते हैं, लेकिन वो सत्ता के बद में मजबूर हो जाते हैं, सत्ता के भोग में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वो देश के विकास पर, राज्य के विकास पर, शहर के विकास पर ध्यान देने की बजाय सत्ता का सुख भोगने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो विकास की राह है, जो तरक्की की राह है, जनता को सुख सुविधाएं देने की राह है, वो तकलीफों भरी है। आप ये कह के सत्ता पे पहुंचे, अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि तकलीफों भरी राह है, मुझे तकलीफें हैं, मुझे अड़चने हैं? आप उन अड़चनों को दूर कीजिए ना, जनता का उसमें आपको क्या सहयोग चाहिए? जनता से वोट चाहिए थे, जनता ने वोट दे दिए, आप काम करके बताइए, इसके अलावा क्या तीसरी बात हो सकती है? केजरीवाल यह भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है दिल्ली की हार का बदला ले रही है और नजीब जंग जो है केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, अब ये आरोप लगाना आसान है, इसको साबित करना कठिन है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके कोई कारिंदे द्वारा भी बुला लिया जाएगा तो उपराज्यपाल तुरंत जवाब देंगे, मेरा जवाब नहीं देते। वो उपराज्यपाल से मिले भी हैं, उपराज्यपाल से लगातार बात भी की है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, हम मिलते हैं तो गले। मुझे लगता है कि उनको एक रास्ता तय करना होगा, और दूसरा ये टकराव कहाँ ले जाएगा? क्या आप उपराज्यपाल को बदल पाएंगे? आप तो ये तक कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग लाने की ताकत देश की संसद हमें दे, ये मांग तक आपने अपने यहाँ पर रखवा ली। मुझे लगता है कि आपको ये देखना होगा कि इस सारे टकराव का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा। यदि इसका अंतिम निष्कर्ष निकलने नहीं वाला है तो आपको फिर दूसरे वैकल्पिक समाधानों की ओर जाना पड़ेगा। आपको तो ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को जो सुनहरे ख्वाब आपने दिखाए हैं उनको कैसे आप इन सब अड़चनों के बावजूद पूरा करें। देखिए, एक नेता के रूप में मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर वो ये साबित कर दें कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, उनके और उपराज्यपाल के बीच मिलीभगत की जितनी बातें वो कर रहे हैं, यदि वो सच भी हैं, यदि वो सही भी हैं, वो प्रमाण नहीं दे पा रहे, लेकिन यदि वो सही भी हैं तो भी उसके बावजूद भी यदि वो दिल्ली को विकास की राह पर ले जाते हैं तब वो सही, असली और बड़े नेता कहलाएंगे। तब जनता ये मानेगी, जनता की सहानुभूति भी उनके साथ होगी कि हाँ इस व्यक्ति को परेशान किया गया, हाँ इस व्यक्ति के सामने अड़चने थी, लेकिन इसके बावजूद इसको दिल्ली का दर्द इतना सता रहा था कि इसने अपनी कुर्सी का सही इस्तेमाल करते हुए हमें विकास किया। आप ये कहेंगे कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, तो फिर ठीक है, जनता सोचेगी कि इससे बेहतर तो है कि हम वापस कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की ओर चले जाएं, और ये जो विकल्प हमें दिया गया आम आदमी पार्टी वाला, ये तो हताश और निराश हो जाता है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप बताइए ना, इसका तीसरा और रास्ता क्या है? तो यदि आपको सचमुच में ज्यादा बड़ा और महान नेता बनना है तो आपको ये साबित करना होगा कि मैं इन अड़चनों के बावजूद आपके लिए काम करवा के दिखा सकता हूं। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली में विकास कम और लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर दिल्ली करा रही है, दिल्ली को विकास की जो अपेक्षाएं हैं उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली में जिस तरीके से जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, दिल्ली में जिस तरह की फिजाओं में जहर घुल चुका है, आप तो जाकर बंगलोर के एक नेचुरोपैथी क्लिनिक में अपना इलाज करा सकते हैं। क्या दिल्ली की सारी जनता बेंगलोर चली जाए? क्या दिल्ली की जनता अपना इलाज जाकर बेंगलोर के उस नेचुरोपैथी क्लिनिक में करे? सारी दिल्ली खांस रही है, सारी दिल्ली के सीने में जहर घुला हुआ है,
अभी एक ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वहां से लेकर 6-7 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनके फेफड़े बाकी देश के बच्चों के मुकाबले 30% ज्यादा संक्रमित है। बड़े होकर फेफड़े के रोग होने की संभावना उनको सबसे ज्यादा है, और इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली की प्रदूषित वायु है। और दिल्ली की फिजाओं में घुले हुए जहर से यदि आप मुक्ति नहीं दिला सकते, तो उसमें नजीब जंग कहां पर आड़े आ रहे हैं? वो कौन सा काम आपका रोक रहे हैं? क्या आपको दिल्ली के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस लड़ाई की राह पर जाना जरूरी है? दिल्ली के ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई करना जरूरी है? दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लड़ाई की राह पर जाना जरूरी है? दिल्ली में जो विदेशी दूतावास है, वहां के कर्मचारियों को अब 3 साल की बजाय 1.5 या 2 साल में वापिस अपने देश भेजा जा रहा है, क्योंकि वो इस जहर भरी हवा में नहीं जीना चाहते, तो दिल्ली के लोग कहां जाएं? या तो उनको सबको विदेश भिजवा दीजिए आप। जब तक आप विकास की सही बातों को सामने नहीं लाएंगे, मूलभूत मुद्दों को और आवश्यकताओं को पूरा, आपने देखा कि पिछली सरकारों ने और ई श्रीधरन के इतने साहसिक और ऐतिहासिक प्रयत्नों से दिल्ली में मेट्रो चली है, लेकिन उस मेट्रो में आप चढ़ के देख लीजिए। अब पिछली सरकार के समय इन्होंने इस तरह के स्टंट और नौटंकी भी की थी। आप एक बार बिना मुख्यमंत्री की सुविधाओं के उस मेट्रो में चढ़ के देखिए, बंबई की लोकल ट्रेनों जैसा हाल हो गया है। जनता ही आपको धकेल के चढ़ाएगी और जनता ही आपको धकेल के उतार देगी। ऐसी स्थिति में आप दिल्ली की जो सार्वजनिक परिवहन की समस्या है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए क्या करेंगे? दिल्ली में हर रोज जितनी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है, उससे दिल्ली में एयरपोर्ट से आदमी को अगर नोएडा जाना हो या गुड़गांव तो एयरपोर्ट के करीब है, नोएडा अगर दिल्ली से आपको जाना हो तो उसके लिए आपके पास कोई सीधा विकल्प नहीं है। आपने एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो मेट्रो की चलाई उसको राजीव चौक पर अगर आपको बदलना है, तो वो एक निहायत ही तकलीफ भरा सफर है। आप सामान लेकर राजीव चौक से आगे आपको जाना हो कहीं तो आप नहीं जा सकते। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि इतनी गाड़ियां एयरपोर्ट जाने की बजाय एयरपोर्ट से सीधे उस गंतव्य तक, नोएडा या दूसरे दूर दराज के गाजियाबाद तक पहुंचने की कोई व्यवस्था हो? इन बातों को करने की बजाय आप दूसरी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की समस्याओं पर बात करने के लिए, सुलझाने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको उन्हीं मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप बेहतर मुख्यमंत्री और बेहतर नेता बन पाएंगे। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली में अधिकारों की जंग की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।